कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की जयंती पर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाळासाहेब ठाकरे जी थे और बाळासाहेब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाळासाहेब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? इतना ही नहीं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है, उनके पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉरपोरेटर था, बीजेपी में विधायक चुनकर आए, और इतना ही नहीं तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। तो अब कौन किसकी गोद में बैठा ये उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारे साथ वो थे तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद प्रश्न अभी तक आप छुड़ा नहीं पाए, क्या राम जन्मभूमि की बात करते रहे? मोदी जी ने छुड़ा कर दिखाया, आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हिंदुत्व ये केवल बातों से नहीं होता, काशी विश्वनाथ में मुगलों ने काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप बिगाड़ा था उसको पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी के राज में हुआ है। हिंदुत्व की बात करनी है तो इसकी ओर देखना पड़ेगा। तुम औरंगाबाद को संभाजीनगर करते करते थक गए, 20 साल निकल गए, नहीं कर पाए। उस्मानाबाद को धाराशिव करते करते समय निकल गया, नहीं कर पाए। पर वहां पर इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया और तुम भाषण करते रहे। और इन्होंने कहा कि 1992 के बाद शिवसेना की लहर थी और अगर शिवसेना देश में चुनाव लड़ती तो शायद देश पर शिवसेना का राज होता। उनकी सिलेक्टिव मेमोरी को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़े 1993 में, 1993 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में करीब 180 सीटें आप लड़े, उसमें से 179 सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। उसके बाद 1996 में आप 24 जगह लड़े, उसमें से 23 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ, और 2002 में 39 में से 39 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। तो ये जरा अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्पन कीजिए। और मैं केवल उनको इतना ही चैलेंज देता हूं, अरे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे जी के जन्म जयंती पर हम तो सिर ऊंचा करके उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन जिनके साथ आप बैठे हो उस कांग्रेस के सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी की ओर से एक ट्वीट तो करके दिखाइए बाळासाहेब ठाकरे जी के लिए, एक ट्वीट, बाकी छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तो करके दिखाइए। अरे कितने लाचार हैं आप, जिनको वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के जन्मदिन पर जन्मदिन का अभिवादन करने में भी शर्म आती है, ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप हमको ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? कुल मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है,
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। उन्हें तो यह चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते, एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। और मैं मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं, आप बोलते रहिए, हम करके दिखाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।